शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि सर्वर संकट को लेकर है। आपको बता दें माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने की वजह से दुनिया भर में इस वक्त कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा साइबर संकट की अभी तक का बताया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हुआ है जिसकी वजह से दुनिया यानी कि रफ्तार थमती हुई नजर आई है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर एयरपोर्ट पर उड़ानों पर पड़ता हुआ नजर आया है। और सिर्फ भारत नहीं बल्कि कई देशों में इसका असर इस समय देखा जा रहा है। इसी के साथ में आपको तीन तस्वीरें दिखाएंगे। एयरलाइंस, रेलवे और मेडिकल बैंकिंग सेवा पर भी इसका खासा असर पड़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और सर्वर ठप होने से हवाई सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित हुई हैं, जिसकी ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दुनिया भर से एयरपोर्ट से खासतौर पर तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर लोग परेशान हैं, लंबी कतारों में लगे हैं, चेक इन नहीं हो रहा है, बोर्डिंग पास उनको नहीं मिल पा रहे हैं और कई उड़ानें विलंब हैं और कई उड़ानों को रद्द भी किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और तस्वीरों के जरिए भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सर्वर ठप होने की वजह से हवाई सेवाएं पूरी तरीके से यहां प्रभावित होती हुई दिखाई दी हैं। कोलकाता से जानकारी मिल रही है कि 11 उड़ानें यहां से रद्द कर दी गई हैं और 29 उड़ानें जो हैं वो विलंब उसमें देखा जा रहा है इसी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप होने की वजह से। बैंकिंग सर्विस से लेकर के एटीएम तक सब कुछ बंद हो गया है। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं उनकी विंडो ब्लू हो गई है। तीन तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जहां हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास इंडिगो के द्वारा दिया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यात्री परेशान है, तो कई ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जिनका पूरी तरीके से टेलीकास्ट भी ठप हो गया है। अमेरिका में मेट्रो सेवाएं बाधित हो गई हैं। कई ऐसी एयरलाइन है जिन्होंने अपने उड़ानों को ठप कर दिया है, अपने हवाई जहाजों को जमीन पर उतार दिया है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार किस वजह से माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हुआ है। इसी के साथ एक बड़ी मीटिंग माइक्रोसॉफ्ट ने बुलाई है। तो हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास, एटीएम सेवा बंद, स्काई न्यूज का टेलीकास्ट भी बंद हो गया है। ये हाथ से लिखा हुआ जो बोर्डिंग पास है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथ से लिख करके इस बोर्डिंग पास को दिया जा रहा है, ताकि यात्री जो हवाई जहाज से अपनी उड़ानें भर रहे थे उनकी उड़ानें किसी तरीके से बाधित ना हो। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर किस वजह से ठप हुआ है इसे लेकर के मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन अमेरिका में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां मेट्रो सेवाएं पूरी तरीके से बाधित हो गई है। तीन ऐसी एयरलाइन कंपनी है जिन्होंने अपनी तमाम जो हवाई सेवाएं हैं उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया है और इसी के साथ बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे यहाँ आईटी मंत्री है, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इस बात का पता लगा लिया गया है कि आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट का यह सर्वर ठप कैसे हुआ है। दूसरी तरफ जो माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स हैं उनकी विंडो पूरी तरीके से ब्लू दिखाई दे रही है। बैंकिंग सर्विस से लेकर के हर सर्विस पर इसका असर पड़ा है और यही वजह है कि अब यह तेजी से इसे सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरीके से यहां पर ठप हो गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या। चार तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो ठप हो गया है और इसकी वजह से लगातार परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। एयरपोर्ट ठप, शेयर मार्केट पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो दुनिया भर में इस समय माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन से, चाहे वो मेट्रो से, चाहे वो हवाई जहाज से, उनको तमाम लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि दिल्ली में अगर बात की जाए तो हाथ से लिखा बोर्डिंग पास मुहैया करवाया जा रहा है। सीधे रुख करते ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़ गए हैं राघवेंद्र लोमस, इसके अलावा बाकी जो सहयोगी वो भी जुड़ रहा है हमारे साथ, सत्यविजय जुड़ गए भोपाल से। सीधे रुख करते पहले लोमस का, लोमस दिल्ली में तो यहाँ पे जो प्रशासन है एयरपोर्ट का वो तो ये दावा कर रहा है कि हम दिक्कतें पेश नहीं आने देंगे, हाथ से लिखे बोर्डिंग पास मुहैया करवाए जा रहे हैं, लेकिन आपके पास आएंगे। लेकिन सीधे दिखाते हैं आपको तस्वीर अमेरिका की, जहां पर जिस तरीके से ये जो देख रहे हैं आप, यहां पर जो विमान है वो खड़े हो गए हैं अपनी जगह पे, उड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो हवाई सेवाएं हैं वो ठप हो गई है। सर्वर में दिक्कत है, दुनिया पर आफत है, लेकिन अमेरिका जैसे देश, तमाम देश बाकी, इसके अलावा देखिए उड़ान टू दुकान सब ब्रेक डाउन यहां पर हो गया है और शायद यही वजह है कि अमेरिका में तमाम जो सेवाएं हैं वो यहां पर ठप होती दिखाई दे रही हैं। सर्वर में खराबी है, दुनिया में खलबली है, चाहे सेवाएं विमान की हो, चाहे सेवाएं बैंकिंग सेक्टर की हो, या फिर टेलीकॉम की हो, या फिर टेलीविजन की हो, सबको यहां पर दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि शुरुआत में पहले बात ऐसी आई कि दिक्कत सर्वर में आ रही है, इसके बाद जो उड़ानें हैं वो यहां पर आगे नहीं बढ़ पा रही। अमेरिका से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पर विमान जो है अब ग्राउंड पर है, उड़ नहीं पा रहे हैं, दिक्कतों को यहां पे दिक्कतें यहां पे इनके सामने आ रही हैं उड़ान भरने के लिए।
बिल्कुल अनामिका, जैसा आप बता रही थी और वो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अमेरिका से लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आ रही है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विमान थमे हुए हैं, यानी कि जो हम कह रहे हैं कि रफ्तार थम चुकी है पूरी तरीके से, उसकी एक वानगी आप यहां पर देखिए जो कि अमेरिका से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं कि विमान अपनी जगह पर है, यात्री जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर्वर ठप होने की वजह से ये विमान उड़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि यात्रियों को भी समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है और कई ऐसे देश हैं जहां पर भारत समेत ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा है माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने की वजह से। इसी के साथ आपको बता दें, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया भर में इसका असर पड़ रहा है, ब्रिटेन पर असर है, स्टॉक मार्केट की बात करें, बैंकिंग, पेमेंट, रेलवे, मेडिकल, सब जगहों पर इसका असर खास तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। इसी के साथ ब्रिटेन पे जो असर पड़ा है उसमें टीवी प्रसारण, एयरलाइन और आईटी सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। अमेरिका पर भी इसका खासा असर पड़ा, जिसकी एक तस्वीर अभी आपने देखी, रेलवे, एयरलाइंस, इंश्योरेंस, 900 इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से ठप हुई हैं। इसी के साथ आईटी, मीडिया, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेवाएं पूरी तरीके से सर्वर ठप होने की वजह से इस समय रफ्तार उनकी रुक गई है। एयरलाइंस की बात करें, आईटी की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेवाओं पर असर, ये भारत की बात हम कर रहे हैं, क्या हमारे देश में कौन कौन से सेक्टर में इसकी वजह से असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। सबसे बड़ी बात एयरलाइंस आप देख रहे हैं, आईटी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेवाओं पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा साइबर संकट इसी वजह से इसे कहा जा रहा है और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, राघवेंद्र हैं, लोमस हैं और सत्यविजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लोमस का रुख कर लेते हैं, लोमस एयरपोर्ट पर ही है जो तस्वीर हमें बैकग्राउंड में दिख रही है। लोमस बताइए, क्या कुछ हालात वहां पर हैं और भारत में सीधे तौर पर एयरलाइंस पर बड़ा असर पड़ा है, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, जो एयरलाइंस पे असर पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे जो स्थिति है वो सामान्य होते जा रही है। अब देख सकते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो डीजी यात्रा बंद हो चुका था वो पूरी तरीके से फिर से चालू हो चुकी है और जो मैन्युअली टिकटिंग का सिस्टम था वो उसकी रफ्तार यहाँ पे बढ़ाई गई है और जो लोग बोर्डिंग पास को लेकर के परेशान हो रहे थे उसकी भी रफ्तार अब यहाँ पे लगातार ही बढ़ाई जा रही है और जो तमाम मंत्री हैं वो लगातार ही, जो अधिकारियों के संपर्क में बताए जा रहे हैं वो लगातार ही वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो स्थिति है वो सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ एक यात्री भी ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान हैं, वो IGI एयरपोर्ट पे वो मौजूद है, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है या फिर दूसरे एयरलाइन की वो टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे पैसेंजर है, कहाँ से आ रहे थे आप? सर, मैं इंडोनेशिया से आ रहा था और मेरा दूसरा फ्लाइट कश्मीर के लिए था और वो ऑल ऑफ अ सडन कैंसिल कर दिया गया है एयरलाइन की तरफ। बोला गया एयरलाइंस? सर बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट हो गया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यहाँ आके पता चला कि कुछ माइक्रोसॉफ्ट आउटेज हो गया है। देखिए, पैसेंजर बता रहे हैं कि यहाँ आकर के मालूम चला कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो गया, ये वेंडिंग मशीन है। तो तमाम ऐसे ही यात्री हैं लोमस जिन्हें कुछ पता नहीं है क्योंकि जो उनकी फ्लाइट थी वो कैंसिल कर दी गई है, जानकारी ठीक से मिल नहीं पा रही है। सीधे रुक करते सत्यविजय का जुड़ गया हमारे साथ भोपाल से। सत्यविजय, भोपाल पे हालांकि बता रहे थे आप कि ज्यादा असर पड़ा नहीं है, लेकिन क्या अभी भी स्थिति जो है कुछ बदली है या फिर जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वो आराम से यात्रा कर पा रहे हैं? यह बिल्कुल, देखिए सर्वर डाउन होने की वजह से अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। हालांकि कुछ देर पहले हमने कुछ यात्रियों से बात की थी जो कि इंडिगो फ्लाइट से भोपाल से उनको जाना था, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा था क्योंकि ऑनलाइन बोर्डिंग जो है वो नहीं हो रही थी, कुछ लोगों के जो टिकट है जिन्हें नए टिकट कराने थे यहाँ आकर जो टिकट कराना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहे थे। एक माता जी हैं जिनकी बेटी को US जाना था, उनकी बेटी उसको लेकर वो घबराई हुई थी। आपकी बेटी अभी उड़ गई फ्लाइट उसकी अभी और टिकट बनाने के लिए मेरे मोबाइल में ID प्रूफ है, आधार कार्ड, और उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ना मेरे को, मैं अंदर जा सकती ना बेटी जा सकती, और ऐसे परेशान होते हुए को तो US जाना था। हाँ, तो वो अंदर है, तो अभी तक उड़ान नहीं भरी। अभी नहीं भरी। अच्छा, तो इंडिगो फ्लाइट से आया था। हाँ, क्या सर्वर डाउन होने की वजह से ऐसा हुआ? अब पता नहीं क्या कारण है।